अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल GSR। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पी और पॉटी के लिए, किस तरह अपने डॉगी को पी और पॉटी के लिए ट्रेन किया जाए। तो लोग काफ़ी लोगों को इन चीज़ों को नोरेक्सी तो पता तो नहीं होता और परेशान भी होते हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल सा। लेकिन इससे पहले कि टॉपिक की तरफ जाएँ तो एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा एंड तक देखना। अगर स्किप किया तो फिर कोई ना कोई बात ऐसी रह जाएगी कि मतलब जो उससे जो आपको नहीं पता चलेगी, और बाद में जब आप अपने पपी को ट्रेन करेंगे या उसके अप्लाई करेंगे जो बातें मैंने बताई हैं, तो वो फिर मुश्किल होएगा, कोई एक आधी बात रह जाएगी। तो फिर बात करते हैं कि टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो जैसा कि गंदगी तो किसी को भी नहीं पसंद, तो कोई भी एक घर में ओनर है तो पपी लाता है तो उसको तो नहीं पसंद कि घर में डॉग जो है या पपी या पोटी करे या ससु करे। मतलब तो बहुत सारे लोग हैं इस बात पे परेशान भी होते हैं किस तरह हम अपने, लेकिन इसमें हमारी अपनी गलती है। हम लोग मतलब या किसी से आगाही नहीं लेते, किसी से पूछते नहीं हैं, ठीक है, अपने ही मतलब खुद ही ट्रेनर बन जाते हैं, उस्ताद बन जाते हैं, अपना अपना फार्मूला लगाते हैं। तो बजाय इसके अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं, आप किसी से पूछें, और कोई भी पपी भी ये नहीं या डॉग भी ये नहीं चाहेगा कि जहाँ पे वो रहता है तो वहाँ पे गंदगी करे। जिस तरह एक मसाल है ना कि कुत्ता भी जब बैठता है तो वो अब दुम से वो जगह साफ करके बैठता है, तो इसी तरह जानवर को भी गंदगी पसंद नहीं है, वो भी मजबूरी में आके तो या घर में या जहाँ पे भी तो वो इस तरह कर देते हैं। तो बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इनको ट्रेन किस तरह नोवरेक्सी ट्रेन किस तरह करना है। सिंपल सा है, आप आज पपी ले आए हैं घर पे, तो आपको तो नहीं पता कि क्या करना है। अब सिंपल सा आपने उसको कुछ दिन और थोड़ी देर मतलब पहले दिन की बात करता हूँ ऑब्जर्व करना है, देखना है उसको कि किस तरह मतलब इसकी क्या कार क्या रहा है, ठीक है। छोटा पपी वैसे तो 2 मंथ्स का जो पपी होता है लोग उसको ही अडॉप्ट करते हैं, जो क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा एक्टिव होता है, समझता है। तो अच्छा, आपने अब क्या करना है, उसको खाना दे दिया, तो खाना देने के बाद विदिन 5 to 10 मिनट्स के बाद आपने उसको जहाँ पे भी मतलब उसको पॉटी करवानी है या जहाँ पे भी आपने बाहर लेके जाना, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं बहुत छोटा पपी हो तो उसको बाहर भी नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाते हैं। तो मतलब घर में आप ऐसी जगह देख लें जहाँ पे आप समझते हैं कि इजीली मतलब साफ़ कर लेंगे बाद में, या जिस तरह भी है ना कोई ऐसी जगह देख लें कि जहाँ पे आपने उसको पॉटी या ससु करवाना है, घर में लॉन में या छत पे कोई ऐसी जगह, या अगर वो बाहर आप इजीली लेके जा सकते हैं, या वो आपके अगर इतना बड़ा है तो वो आपके साथ चल के चला जाए, भाग के चला जाएगा, या फिर वो आप उसको उठा के ले जाएं, तो ये चीज़ है। तो अब वो क्योंकि मोस्टली जो कुत्ते हैं ना या वो डॉग्स हैं वो करते हैं कि क्योंकि जिस तरह वो खाना खाते हैं वो 5 से 10 मिनट के बाद वो स्टूल पास करते हैं, क्योंकि प्रेशर डेवलप होता है तो लाजमी मोस्टली करते हैं, सारे नहीं मतलब मोस्टली तो करते ही हैं। तो अब बात करते हैं कि अब आप उसको बाहर पपी को भी बाहर ले गए तो उसको सुसु या पॉटी उसने कर लिए, तो अब उसने आपने उसके साथ बात नहीं करनी है। पहली बात, बात नहीं करनी कि मतलब उसके साथ खेलना नहीं शुरू कर देना कि उसको, ताकि पपी को या डॉग को पता हो कि हम सुसु करने आए हैं या पॉटी करने आए हैं, हमारी पॉटी या सुसु ब्रेक है, हम कुछ आपने उसके साथ कोई नहीं, आपने सिंपल यूँ खड़ा हो जाने और देखने आपको 5-6 मिनट 10 मिनट आप थोड़ा सा वेट करें वो कर लेगा। तो जिस तरह कर लीजिए आप उसको उठाएं और अंदर लें, बल्कि सॉरी आपने साथ क्या करना है, जो दिन भी मैंने मेरे जेन से निकल गई अभी बात, आपने सबसे पहले साथ अपनी ट्रीट ट्रेनिंग ट्रीट जो होती है वो रखनी है, ठीक है, बिस्किट रख सकते हैं ट्रेनिंग ट्रीट। उस दिन भी बताया था दराज पे जाएं तो आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी, कोई भी ब्रांड की ले लें अच्छी सी जो भी आपको अच्छी लगती है। तो आपने ट्रेनिंग ट्रीट जो है ना ऐसे हाथ पे रख के ना, ट्रेनिंग ट्रीट या बिस्किट है जो भी आपने उसके ऊपर रखा है, और उसको जिस तरह वो पॉटी कर ले या सुसु कर ले उसको प्रेस करना है कि शाबाश बहुत अच्छा है, और सर पे इस तरह हाथ फेर देना ताकि उनको लगे कि मतलब पप्पी को लगे कि ये मैंने जो किया ये बाहर करना इस तरह ठीक है, मैं जब इस तरह बाहर करूँगा तो मुझे स्पेशल मतलब कि ट्रीट मिलेगी इस तरह मैं जब बाहर आके घर से करूँगा। तो अब बात करते हैं, अब आपको तो नहीं पता कि पपी किस किस टाइम सुसु करेगा, दूसरा सवाल ये है कि किस तरह, अब आपको तो नहीं पता ना कि पपी ने किस पपी को सुसु आए, तो नो रेक्सी बुरी बात है। तो अभी
इसके ये है कि जिस तरह पप्पी जो छोटे होते हैं ना, वो उनका मतलब अगर एक मंथ का है तो शायद वो एक डेढ़ घंटा ही अपना ससु है जो वो यूरिन है वो उसको होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात ये कि पप्पी जब भी सो के उठे तो वो यूरिन करते हैं, खेल रहे हैं और डॉग्स भी वो यूरिन करते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला, शुरू शुरू में आप अभी पप्पी ले आए तो रेक्सी बुरी बात नो लीव इट लीव इट गुड स्टे नो चल बस बैठ जा। अच्छा तो बात हम कर रहे थे कि हाँ आपको तो नहीं पता, तो एक मोस्टली जो है ना पपीज जो है एक घंटे के बाद सुसु करते हैं, और जो पॉटी तो दिन में तकरीबन तीन से या चार दफ़ा करते हैं, लेकिन सुसु जो है कम से कम दिन में दस से बारह बार लाजमी करते हैं डॉग्स या पपीज। पपीज खासतौर पर डॉग्स तो इतना नहीं, बड़े जो एडल्ट डॉग होते हैं वो इतना नहीं, वो मतलब दिन में दो या तीन दफ़ा करेंगे या चार दफ़ा करेंगे, लेकिन जो पपीज हैं वो ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनसे होल्ड नहीं होता, ठीक है, तो वो करते हैं लाजमी। तो अब आपने क्या करना है, आप रात को तो नहीं आपको पता पपी, शुरू शुरू में आपने रात को भी लिया तो आप एक काम करें कि अलार्म लगा लें घंटे का या दो घंटे का, जिस तरह ही पपी आप दो घंटे बाद उठें मतलब दस बजे आप सो जाते हैं, बारह बजे का अलार्म लगा लें दो दो घंटे का चाक के, बारह बजे उठें आप अपने मतलब उठ गए अलार्म लगाया, कुछ दिन या पाँच छः दिन आपको एफर्ट लाजमी करना पड़ेगा ताकि पपी को उस तरह करने के लिए उठा के इसको बाहर ले जाएं और यूरिन या पॉटी उसने कर लिए तो ठीक है उसको आके फिर मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही करें इसको आपने ट्रेनिंग ट्रीट भी है उसको वो देनी है। अब ये बात है, उसके बाद ये कुछ दिन, अब दूसरी बात ये बार दफ़ा पपी खेल रहे होते हैं वो सुसु कर देते हैं, दिन में भी आपने यही करना है कि इसको घंटे घंटे के बाद आपने उसको थोड़ी देर बाहर ले जाए, और बाहर जाना है फिर बता रहा हूँ कि बात नहीं करनी है आपको इसके साथ, बात नहीं करनी उसके साथ खेलना नहीं, ताकि उसका उसको बस अगर सुसु या पॉटी आया तो वो जल्दी से कर ले, ये ना उसका ध्यान खेलने की तरफ चला जाए तो फिर वो रख दे, आपने इस तरह करना। अब बार दफ़ा पपी जो है घर में भी सुसु कर देते हैं, ठीक है, तो आपने उसको मारने से तो कुछ नहीं होगा, मारने से जानवर नहीं सीखता या जो भी ये डॉग नहीं सीखते, ठीक है, उसको तो नहीं पता कि मैं किस चीज़ पे, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इधर कमरे में सुसु कर दिया इस रूम में तो खुद पपी दूसरे रूम में चला गया, तो आपने क्या करना है, आप उसको मारना नहीं, ये नहीं कि उधर जाके उसको पीटना शुरू कर दिया, आपने उसको उठा के लाना है, उसको दिखाना है कि हाँ फॉर एग्जाम्पल ये इसने सुसु या पोटी कर दी, आपने उसको बताना है कि ये तूने क्या किया, इस तरह हाथ में पकड़ के, ठीक है, कि ये अभी भी मैं इसको अक्सर डांटता हूँ उस तरह, ये मतलब कोई भी करती है ना तो यूँ बताना है इसको कि तूने क्या किया, वो देखेगा उसको पता चलेगा यार मैं एक कुछ करके गया हूँ, ठीक है, उसको मारना नहीं है, ठीक है, उसको मतलब समझाना है ज़रा थोड़ी सी नो मतलब नो लव यूज़ करना है कि यार ये गलत है, ताकि पप्पी को पता चले कि यहाँ पे नहीं करना, घर में करना इज नॉट लव, तो बाहर जाके करें। इसी तरह ही है ये कुछ बातें हैं तो जो आपने अप्लाई करनी है, ठीक है, और जिस तरह घंटे घंटे के बाद आप लेके जाते हैं सो के उठे आप पपी को बाहर ले जाएं, जिस तरह ही खाना देते हैं उसके बाद आप उसको बाहर ले जाएं, ठीक है, तो थोड़ी सी